मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों से 3 दिन तक पर्वतीय राज्यों में जो है कहीं कहीं भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। आपको बता दें कि मौसम विभाग ने आज देहरादून, उत्तरकाशी, बागेश्वर में कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना का येलो अलर्ट जारी किया है। सोमवार को गढ़वाल और कुमाऊं जिलों में बारिश की संभावना है, लेकिन कोई अलर्ट नहीं है। 26 जुलाई को नैनीताल, चंपावत, उधम सिंह नगर में कहीं कहीं भारी बारिश का येलो अलर्ट रहेगा। वहीं 27 जुलाई को देहरादून, उत्तरकाशी जिले में कहीं कहीं भारी बारिश होने की संभावना को लेकर येलो अलर्ट है। आपको बता दें कि 27 के बाद बारिश में वृद्धि का अनुमान है और मौसम विभाग ने बताया कि जुलाई माह का समापन बारिश के साथ हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ येलो अलर्ट के मद्देनजर संवेदनशील इलाकों में हल्के से मध्यम भूस्खलन, चट्टान गिरने, कहीं कहीं सड़कों के बाधित रहने और जलभराव और नदियों के जलस्तर में वृद्धि हो सकती है। उधर भारी बारिश की चेतावनी के बाद प्रशासन भी अलर्ट मोड पर दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पुलिस फोर्स तैनात की गई है ताकि आपदा के समय रिस्पॉन्स टाइम को कम किया जा सके। तो इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अस्करी जाफरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अस्करी, जिस तरीके से बात की जाए, देहरादून और उत्तरकाशी समेत 4 जिलों में जो बारिश का येलो अलर्ट है वो जारी किया गया है। सबसे पहले उत्तराखंड के मौसम को लेकर एक पूरी अपडेट। देखिए सर, बिल्कुल सबसे पहले तो हम बताना चाहेंगे अपने दर्शकों को, जो मौसम विभाग के अलर्ट हैं वो 3 कैटेगरीज में बांटे गए हैं, जिसमें रेड अलर्ट है, ऑरेंज अलर्ट है और येलो अलर्ट है। रेड अलर्ट में अति संवेदनशील मामला आते हैं, जिसमें बहुत ज्यादा बारिश होती है पूरे प्रदेश में, तो उसको रेड अलर्ट में रखा जाता है। उसके बाद ऑरेंज अलर्ट आता है, जिसमें थोड़ी कम बारिश होती है, थोड़ा सा कम बारिश होती है, जो रेड अलर्ट के थोड़ा करीब होता है। उसके बाद आता है येलो अलर्ट। येलो अलर्ट में संभावना जताई जाती है कि प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की से बहुत बारिश हो सकती है। तो इसके मद्देनजर आज जो है उत्तराखंड के करीब 3 से 4 जिलों में जो है येलो अलर्ट जारी किया गया, जिसमें देहरादून है, उत्तरकाशी है, टिहरी है, बागेश्वर है, तो ये तमाम जो जिले हैं उनमें येलो अलर्ट जारी किया गया। लोगों को हिदायत दी गई है, नसीहत भी दी गई है कि आप अगर घर से निकल रहे हैं तो पूरी सेफ्टी प्रिकॉशंस लेकर के आप निकले घर से, और तमाम जो जरूरी चीजें होती है जैसे रेनकोट होता है, छाते होते हैं, या आप कहीं अगर जा रहे हैं तो आप ये पूरा पता लगा दीजिए हेल्पलाइन नंबर के जरिए कि आप किस दिशा में जा रहे हैं और वहां पर सड़कों के हालात कैसे हैं, जो मार्ग है वो अवरुद्ध तो नहीं है, इस तरह की तमाम अपडेट्स लेकर के आप अपने सफर पर निकल सकते हैं। लेकिन बारिश की अगर हम बात करें तो आज देहरादून में और उत्तरकाशी में, टिहरी में और बागेश्वर में यहाँ पर येलो अलर्ट जारी किया गया है। ऋषिकेश से लेकर के देहरादून तक बारिश की जो है वो संभावनाएं जताई गई है, और देहरादून से लेकर त्यूरी तक की तमाम जो इलाके हैं वहां तक हल्की से भारी बारिश हो सकती है। हालांकि सुबह में यहाँ बारिश थोड़ी जरूर हुई है, लेकिन अभी फिलहाल थोड़ी धूप निकली हुई है, लेकिन अभी शाम होते होते ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है मौसम विभाग की तरफ से कि भारी बारिश होने की संभावनाएं हैं 4 के 4 जिलों में, जिसमें देहरादून है, उत्तरकाशी है, टिहरी है, बागेश्वर है, इन तमाम जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही साथ दिशा निर्देश दिए गए हैं और अपील भी की गई है कि लोग अगर निकलते हैं अपने घरों से पूरी जो है इंतजाम के साथ निकले, अगर कहीं जा रहे हैं उनके साथ, अगर बच्चे उनके साथ हैं तो उस हिसाब से जो है पूरी जो है उनके सेफ्टी प्रिकॉशन उनके पास होने चाहिए। पूरा जो सामान है, छाते हैं, रेनकोट है, इस तरह के तमाम चीजें उनके पास होनी चाहिए, और ताकि हैवी रेनफॉल से बचा जा सके। और अगर आप पहाड़ी इलाकों का रुख कर रहे हैं तो पहाड़ी इलाकों में जहाँ जहाँ पर लैंडस्लाइडिंग के खतरात बने होते हैं वहां पर जो है लोकल टीम के जरिए जो है जो SDRF की टीम है, NDRF की टीम है, लोकल पुलिस है, उसके जरिए आप जानकारी मुहैया जानकारी लेने के बाद जो है आप उस दिशा में बढ़ सकते हैं आगे। लेकिन पूरी जो है जानकारी के साथ और अवेयरनेस के साथ आगे बढ़ें, इसकी अपील की गई है मौसम विभाग की तरफ से। अस्करी, जिस तरीके से बात की जाए, मौसम विभाग ने येलो अलर्ट यहाँ पर जारी कर दिया है, लेकिन अगर कोई प्राकृतिक आपदा इस दौरान आती है तो उसके लिए डिजास्टर मैनेजमेंट के द्वारा क्या क्या तैयारियां की गई हैं? देखिए सर, डिजास्टर मैनेजमेंट के लिहाज से अगर देखा जाए तो पूरी तैयारियां फिलहाल देखी जा रही है। तमाम जो जनपद स्तर पर है कंट्रोल रूम बनाए गए हैं, इसके अलावा तहसील स्तर पर कंट्रोल रूम बनाए गए हैं, और समय समय पर जो तमाम विभाग है जैसे टूरिज्म है, हेल्थ है, उनके तमाम जो आला अफसरान है उनके एक एक प्रतिनिधि वहां पर बैठा है कंट्रोल रूम में, वो लगातार नजरें बनाए हुए हैं, और खुद
चूंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह भी लगातार थे, कंट्रोल रूम का भी जायजा ले रहे हैं, पूरी मॉनिटरिंग की जा रही है कि किस जिले में कितनी बारिश हो रही है और क्या हालात हैं, और साफ तौर से दिशा निर्देश दिए गए हैं, अगर ज्यादा बारिश होती है तो तमाम जो लोग हैं उनको राहत सामग्री भी मुहैया कराई जाए, और नदियों के किनारे जो लोग बसे हैं उनको भी अलर्ट किया जाए ताकि वो समय रहते वहां से हट जाए, और उनके लिए रैन बसेरे का बसेरों का जो है वो इंतजाम भी किया जा रहा है ताकि आने वाले वक्त में कोई बड़ी जो है वो घटना ना हो, लोगों को परेशानी ना हो, आमजन किसी भी समस्या से जूझे नहीं, इसको लेकर के पूरी तैयारी की गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ साफ दिशा निर्देश दिए हैं आपका विभाग को भी, तमाम जो अधिकारी हैं वो लगातार जो है जो अति संवेदनशील इलाके हैं उत्तराखंड, क्योंकि उत्तराखंड जाना जाता है आपका प्रभावित क्षेत्र है, कभी भी किसी भी इलाके में पहाड़ी क्षेत्रों में लैंड स्लाइडिंग हो जाती है, इसको लेकर भी पूरी नजरें बनाए हुए हैं प्रदेश सरकार, और आपका कंट्रोल रूम 13 के 13 जिलों में बनाया गया है, तहसील स्तर पर भी है, जनपद स्तर। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद अस्क्री हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के।